हाय दोस्तों, 15 अगस्त की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है कि आज के दिन हमारा सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो काफ़ी एक तरीके से बहुत अच्छा लगता है। एंड आप सभी को पता है कि स्कूल लाइफ जब होती थी बहुत दुख होता है एक चीज़ का कि हम कॉलेज लाइफ में आ गए। पहले क्या था कि अगर हम मतलब स्कूल लाइफ में रहते थे तो झंडा फहराने वगैरह जाते थे, 1 वीक पहले से हमारे टीचर बहुत जोरों शोरों से तैयारी करवाते थे और काफ़ी इन्जॉय करते थे एंड बहुत मज़ा आता था, इस दिन का इंतजार रहता था। बट कोई बात नहीं, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। जो लोग बात को बहुत दुख है कॉलेज वगैरह में, जो उस दिन को बहुत सारे कॉलेज भी बंद हो जा रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं तो नहीं तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ की कल्चर, यहाँ की सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं और हमारे देश में जो भी मेहमान आते हैं उनकी हम इज्जत करते हैं और जो भी यहाँ की फेस्टिवल सारी चीज़ें को बहुत इंजॉयफुल हम करते हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ पे कि एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम तीनों मौसम का एंजॉय करते हैं, लाइक ठंडी, बरसात, गर्मी, जो भी चीज़ें होती हैं, और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। तो गर्व से कि हम एक भारतीय हैं। और आप सभी को फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो में बने रहो, मिलते हैं अभी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। सो फ्रेंड्स, आप सभी को दो लाइन मैंने जैसे भी सुनाया आपने, और हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था, और ये सॉन्ग लता मंगेशकर का है जो काफ़ी मतलब पूरी रूह को झकझोर के रख देता है। एंड होप्स होप कि अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं आई विल ट्राई दिस, सिर्फ मनली टू लाइन आप सभी को, आपसे भी ढेर सारा प्यार दो एंड आपको फिर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, बाय बाय।